डीसी साहब का मैं और इनकी एंटायर टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज बकायदा इस्लामाबाद से टाइगर फोर्स की जो सरगर्मी है उनका आगाज कर दिया जाएगा। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं, अली इमान साहब हैं, पूर्व नवाज साहब यहाँ बैठे हैं, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर असद उमर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, वो भी इजहार ख्याल करेंगे। मैं क्विकली पूरे पाकिस्तान के जो बहादुर नौजवान हैं, 10 लाख से ज्यादा नौजवान जो टाइगर फोर्स के रजिस्टर हुए हैं, मैं तो एक उनको सलाम अकीदत पेश करना चाहता हूँ उनके जज्बे को। और मेरा ये पैगाम है आप तमाम नौजवानों को कि पूरी कौम को आप लोगों पे फख्र है। वो इसलिए कि आपके सामने पूरी दुनिया में लोग कोरोना के खौफ में और घबराहट में मुब्तला हैं, और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के बहादुर नौजवान, 10 लाख से ज्यादा नौजवान कोरोना के खिलाफ जहाद में वजीर आजम इमरान खान साहब की कॉल पे रजिस्टर हुए, और कौम को इनकी इस बहादुरी पे फख्र है। तकरीबन इस्लामाबाद से 14,000 से ज्यादा नौजवान रजिस्टर हुए। मैं ये उम्मीद करता हूं जिन सर्विसेज के लिए, जैसे डीसी साहब आपको कह रहे थे कि 5-6 मोटी मोटी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, जो हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर हुए हैं पोर्टल पे, इंशाल्लाह ताला वो हमारे फील्ड हॉस्पिटल्स में हेल्थ साइड में काम कर रहे हैं। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स जो पाकिस्तान में 4,370 से ज्यादा हैं, उस पर सोशल डिस्टेंसिंग और 19 अदद आइटम्स जिन पे अरबों रुपए की सब्सिडी दी है वजीर आजम इमरान खान साहब ने, वो इंश्योर कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कहीं वो अशिया यूटिलिटी स्टोर पे अवेलेबल हैं या नहीं है। दूसरी तरफ एहसास सेंटर की मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन की जा रही है। इसी तरह एहसास लेबर प्रोग्राम का जो आगाज किया गया, पाकिस्तान के ये बहादुर नौजवान, टाइगर फोर्स के नौजवान एहसास लेबर के इंदराज में यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर ये काम कर रहे हैं, जो कि वो एक वेब पोर्टल है और तकरीबन तमाम वॉलंटियर्स के पास स्मार्टफोन्स हैं, और वो अपने स्मार्टफोन्स की मदद से जो अनएम्प्लॉयड लेबर है उसका डाटा रजिस्टर कर रहे हैं, उसका इंदराज कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमत का टारगेट है 40 से 50 लाख बेरोजगार मजदूरों तक पहुंचने का, तो अगर ये पाकिस्तान के बहादुर बेटे, पाकिस्तान के ये 10 लाख बहादुर नौजवान टाइगर फोर्स के अगर 4-4 बेरोजगार मजदूरों तक भी पहुंच जाए, तो 40 लाख मजदूर जो बेरोजगार हो चुके हैं उनका डाटा कलेक्ट करने में भी ये बड़ा जबरदस्त काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान के तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डीपीओज हैं, डीएसपीज हैं, आप सबसे मेरी ये हम्बल सबमिशन भी है, दरखास्त भी है, अपील भी है, ये पाकिस्तान के बहादुर नौजवान सेल्फलेस, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मुआवजे के मुल्क की खिदमत करने के लिए कौमी जज्बा लेके आगे आए हैं। काम ये चाहे 1 घंटा करें या 8 घंटे करें, टाइगर फोर्स के जवान चाहे कम काम करें ज्यादा काम करें, हमें इन्हें अप्रिशिएट करना है, हमें इनका ध्यान रखना है, इन्हें हर सतह पे वो इज्जत दी जानी है जिसके ये हकदार है। और मैं यही उम्मीद करता हूं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से भी, जब इस्लामाबाद के ये बहादुर नौजवान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आगे आए, तो इंशाल्लाह ताला इनके साथ मिलकर जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होगी। और मुझे यकीन है पाकिस्तान जो कि रीजन में दूसरे नंबर पे यंगेस्ट कंट्री है, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला टाइगर फोर्स के ये बहादुर नौजवान और पाकिस्तान के नौजवानों के साथ मिलकर वजीर आजम इमरान खान कोरोना को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।